Nadeem, and welcome to my show. Thank you, Ifat, and thank you for inviting me on your show. हम ये इंटरव्यू इतने दिनों से प्लान कर रहे थे और इतने दिनों के बाद हम कर रहे हैं और मीनवाइल मेरे पास तुम हो हैपेंड सो मुझे उससे ही आज इंटरव्यू का आगाज करना पड़ेगा कि इतना फिनोमिनल सक्सेस व्हाट यू एक्सपेक्टेड सक्सेस कोई भी इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता आपको ये जरूर पता होता है कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो डिफरेंट है इंटरेस्टिंग है उसमें इमोशनल जर्नी ऑफ एवरी कैरेक्टर जो है वो बहुत इंटैक्ट है लेकिन सक्सेस का ये नहीं पता होता कि इट्स गोइंग टू बी दैट बिग अ सक्सेस JPNA 1 पंजाब नहीं जाऊंगी 2 हमें ये था कि लोगों को अच्छी लगेगी लेकिन ये नहीं था कि दैट इट्स गोइंग टू बी दैट नदीम आई मस्ट से यू हैव अ माइडस टच क्योंकि जिस चीज़ को हाथ लगाते हो वो एक रिकॉर्ड कायम करती है फिल्मों ने अपना रिकॉर्ड कायम किया जो प्ले बनाते हो अपना रिकॉर्ड कायम करता है इतना टैलेंट कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं कोई बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ मुझे ये पता है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क दैट आई डू उसकी है स्क्रिप्ट की समझ है एक्टिंग पे बहुत फोकस है सो शायद ये सब मिल मिला के कुछ एक सक्सेसफुल फॉर्मूला बनता हो मेरे पास तुम हो डू यू थिंक कि उसकी स्टोरी बहुत मुख्तलिफ थी या एक रेगुलर स्टोरी थी जिससे differently execute किया आपने कहानी ऐसी नहीं है जो आपने पहले कभी ना देखी हो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्टोरी आई थिंक इट्स हाउ इट्स रिटन एंड हाउ दीज एक्टर्स हैव पुट लाइफ टू एवरी कैरेक्टर इसमें जो लाइफ एक्टर्स ने दिए उसमें डायरेक्टर का कितना हाथ है बिकॉज हम इन्हीं एक्टर्स को और एक्टिंग करते हुए भी देखते रहे हैं लेकिन जो फिनोमिनल सक्सेस ये हिस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट में इतना सक्सेस किसी प्ले को नहीं मिला इसकी क्या वजह है एक्टर्स की एक्टिंग में मेरा ख्याल है कि डायरेक्टर की कॉन्ट्रीब्यूशन को डायरेक्टर ने ये नहीं बताना होता कि आपने कैसे एक्ट करना है ऑफकोर्स दे आर सीनियर एक्टर्स एंड दे आर सीजनड एक्टर्स एंड दे नो हाउ टू do a scene lekin there is something that a director adds to their performance and you know how to put it ke aam logon ko samajh aaye mera khayal hai inspiring the actor and telling the actor that this scene requires this from you hi and har ek actor ki weakness aur strength hoti hai director ki nazar bahut honi chahiye uski weakness pe chahe wo bolne se leke facial expressions tak बॉडी लैंग्वेज तक हो और उसको चेक करना चाहिए बार बार तो जब आप एक्टर को इतना चेक करते हैं तो फिर वो एक आपकी डोमेन में आ जाता है आहिस्ता 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 उसको पता चल जाता है कि ये मुझसे क्या चाहता है और फिर वो उस तरीके से एक्टिंग करने लग जाता है और वो एक्टिंग ये नहीं कि मुझे कोई मेरी एक्टिंग चाहिए मुझे सिर्फ वो कैरेक्टर बहुत जिंदा लगना चाहिए व्हेन द एक्टर इज़ परफॉर्मिंग एंड ही शुड मेक मी बिलीव दैट दिस यस दिस इज़ हैपनिंग देर आर सीन्स मेरे पास तुम्हों में जिसमें मुझे नहीं याद रहता कि देखते हुए कि यहाँ पे कैमरा भी था क्रू भी था हुमायूं राजा का एक बड़ा इंटेंस सीन है एंड दे वर जस्ट इनटू द सीन मैंने छोटी छोटी चीज़ें उसमें जो नोट की हैं इतने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो एक सीन था जहाँ पे वो उसके शहवार के सामने डांस कर रहा है वो जो उसका अपनी औकात से ज्यादा निकलना उस वक्त अपने आप को प्रूव करना अच्छा हुमायूं जैसे एक्टर के लिए जो फिल्में भी कर चुका है और फिल्मों में डांस भी कर चुका है और डांस पे बहुत क्रिटिसाइज भी हो चुका है कि हुमायूं को डांस नहीं आता सो दिस स्पेसिफिक पोर्शन जिस वजह से उसने वो डांस करना था आई थिंक ही डिड इट सो वेल ही इवन सरप्राइज्ड मी आल्सो वेल इट मेड दैट हमने सोचा कि इसको एंड इट मेड मी सैड एट द सेम टाइम या इट वाज लाइक दैट बट He actually thought about it and इसको कैसे करना चाहिए एक मैं इतने डांस कर चुका हूँ फिल्मों विल्मों में और ये कोई बहुत प्रॉपर डांस तो चाहिए भी नहीं है हमें सो इट हैज़ टू बी समथिंग रियली ऑड सो ऑड वही था और वो बेस्ट था जैसा हुमायूं ने किया कम्प्लीटली अच्छा अगले सारे अवार्ड्स तो मेरे पास तुम हो कभी से पके हैं सभी से पके हैं
नदीम, आप अपनी प्रोडक्शंस पे किस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं? आइडियाज पे, स्टोरी पे, या प्रोडक्शन वाली चीजों पे, एक्टिंग में, सेट्स पे, शूट पे? आई थिंक ये एक ट्रेल है, लेकिन इसमें सबसे ऊपर आइडिया एंड द स्टोरी एंड देन कम्स द स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट। आई थिंक अगर वो चीज़ आपकी स्ट्रांग है और आपको ये यकीन है कि जो कहानी आप सुनाने वाले हैं वो वैसी लिखी गई है जैसी आप चाहते हैं, तो फिर प्रोडक्शन डिज़ाइन, कास्टिंग और डायरेक्शन और म्यूज़िक, ये सब चीज़ें खुद ब खुद साथ साथ होती चली जाती हैं। बट स्क्रिप्ट इज द किंग एक्चुअली, बैकबोन ऑफ एनीथिंग दैट यू आर डूइंग। खलील साहब ने इतना खूबसूरत ना लिखा होता तो शायद ही इतना बड़ा सक्सेस ना होता, मैं कुछ भी कर लेता। खलील साहब ऐसे इतना खूबसूरत लिख कैसे लेते हैं? क्योंकि उनके जब मुझे अंदर की बातें पता चली हैं तो ही इज अ प्रीटी मिसोजिनिस्ट गाय, तो वो ऐसा बैलेंस स्क्रिप्ट लिख कैसे लेते हैं? मैं खलील साहब को बहुत पुराना जानता हूँ और मैं उनकी हर तरह की, उनकी तबीयत से हम सब लोग ही वाकिफ़ हैं, बहुत अच्छी तरह वाकिफ़। मेरा ख्याल है कि वो जो भी उन्होंने, अगर इफ़ यू आर रेफरिंग टू दोज इंटरव्यूज जो उन्होंने दिए हैं, उसमें ही जस्ट गॉट कैरीड अवे, बट ही वॉज द पॉइंट दैट ही वॉज ट्राइंग टू पुट अक्रॉस, वो एक बड़ी बुरी एग्जाम्पल के साथ उन्होंने कोट कर दी और जिसकी वजह से वो बहुत क्रिटिसाइज हुए। मैंने भी क्रिटिसाइज किया, आई वॉज द फर्स्ट वन हु कॉल्ड हिम and asked him ke why did you say that, I was shocked, why did you say that, and he said ke yes I shouldn't have said that, I'm being honest, I shouldn't have said that। Fir unhone mujhse bahut behas ki, to humne us sari behas ko khatam ek aisi jagah pe kiya jahan pe maine unko kaha ke Khalil sahab, Ghalib ne kabhi apni shayari ki tashreeh nahi ki, jo log jo likhte hain वो लोगों के लिए होता है कि वो उससे क्या लेना चाहते हैं और वो क्या उससे मीनिंग लेना चाहते हैं। यू डोंट हैव टू कम अप एंड टेल एवरीवन व्हाट यू वांट टू टेल इन योर स्टोरी, लेट इट बी फॉर पीपल, कि वो आपने कहानी क्या बताई है उनको इंटरप्रेट करने दें। आप क्यों इंटरप्रेट कर रहे हैं? आपकी तो क्राफ्ट है वो, यू शुड बी द लास्ट पर्सन हु शुड इंटरप्रेट योर वर्क। एंड ही अंडरस्टूड एंड एवरीथिंग, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा, आई डोंट थिंक दैट ही इज़ अ मिसोजिनिस्ट जैसा वो नज़र आता है, जिस तरह वो बोलते हैं, बट ही राइट्स फिन, आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स विद हिम, ड्रामाज एंड एवरीथिंग, यू नो ही इज़ द सेम राइटर जिन्होंने प्यारे अफजल में एक मौलवी का कैरेक्टर लिखा और उसको एक मॉडरेट लिबरल मौलवी दिखाया हु वॉज मैडली इन लव विद द वाइफ, जिसका बेटा जब घर से चला जाता है और बेटी पढ़ना चाहती है आगे, मास्टर्स करना चाहती है, तो माँ कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटी भेजने की जहाँ पे लड़के भी होते हैं, और तुम बस शादीवादी कर देंगे इसकी। एंड एट सम पॉइंट दैट मौलवी आस्क्ड द डॉटर कि तुम्हें पता है इसके फॉर्म कहाँ से मिलते हैं यूनिवर्सिटी के? तो कहती हैं हाँ अब्बा मुझे पता है, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मास्टर्स करो। So he's the same writer who wrote this. He's the same writer who wrote Manjali, which is the dilemma of a woman jiska husband is not faithful to her, and she is what a character that he wrote, and Sabha played that character. So I think वो एक इंटरव्यू को अगर हम अपनी ज़िंदगी से ज़रा साइड पे कर दें और उनकी ज़िंदगी को जो कुछ उन्होंने लिखा है वो देखें, तो उसमें बहुत बैलेंस है। इवन गलती वो इतनी क्विकली नोटिस होती है कि मैं ऑन एयर जाने से पहले 10 दफा एपिसोड देखता हूँ कि कोई गलती तो नहीं चली गई उसके अंदर। नदीम, हमारी ऑडियंस कितनी इंटेलिजेंट हो चुकी है? ऑडियंस बहुत उतनी इंटेलिजेंट है जितनी आप और मैं हैं। आप और मैं भी ऑडियंस हैं, हमें भी कुछ चीज़ें पसंद है और नापसंद हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत मेजॉरिटी को पसंद और नापसंद है। सो वी आर द ऑडियंस। मैं 1% भी ऑडियंस को अपने से कम इंटेलिजेंट, अपने से ज़्यादा ही इंटेलिजेंट समझता हूँ। और इसका इसको बहुत दफ़ा मैंने टेस्ट किया हुआ है कि ये बहुत छोटी डिटेल है, ये लोगों को पता चलती है कि नहीं पता चलती, फील होती है कि नहीं होती, लेकिन होती है फील। दे वुड कम अप टू यू एंड दे मेंशन दैट, एंड इट सरप्राइजेज मी एवरी टाइम।
इट डजंट सरप्राइज मी एनी मोर बिकॉज आई बिलीव कि ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है. आप उनको बेवकूफ़ बना नहीं सकते, तो अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाए एंड डू समथिंग विच मेक्स सेंस, विच इज़ लॉजिकल, विच हैज़ समथिंग विच इज़ नॉट शैलो. अच्छा, ये डिबेट हम जब भी आपस में बैठते हैं बहुत दफ़ा होती है कि हम रोती हुई औरत को दिखा रहे हैं, हम रोती हुई औरत को दिखा रहे हैं, और हमें उसके आगे से ये जवाब मिलता है कि ऑडियंस देखना ही है चाहती है. हमारी 90% खवातीन ड्रामे देखती हैं और खवातीन यही देखना चाहती हैं. आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या वाकई खवातीन यही देखना चाहती हैं? खवातीन ये नहीं देखना चाहती. और अगर देखना भी चाहती हैं तो क्या हमें चेंज नहीं करना? बिल्कुल करना चाहिए. और दूसरा ये कि रोना एक इमोशन है, उसको जिस जगह आपने लाना है आप ले आए, लेकिन एक रोती हुई औरत ही औरत, दूसरी औरत जो है आपकी ऑडियंस, वो एक रोती हुई औरत देखना चाहती है, इट्स नॉट ट्रू. लेकिन औरत को आप बहुत डराते रहेंगे जब, तो शायद उसको आदत हो जाएगी डरने की. सो हमारा टीवी औरत को फियर्स देता है और उसके ऊपर थ्राइव करता है, उसके ऊपर रेटिंग लेता है. ये वो फियर्स हैं जिनसे हमें एक्चुअली औरत को ये बताना चाहिए या अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहिए कि देर इज़ अ वे ऑफ यू नो यू कैन कम आउट ऑफ दिस. तो नदीम, आपने अपने काम से कोशिश की कि आप ये कह सकते हैं आपने ऐसी फिल्में बनाई या आपने ऐसे ड्रामे बनाए जिसमें आप ये